बुड्ढी मैं जवान। जी हाँ, ये क्रीम मेरी तरह गोरी त्वचा पाने के लिए और अपनी 5 साल उम्र घटाने के लिए ये क्रीम जरूर लगाए। कट, अरे शर्ट पे कौन थूक रहा है? अमर था अपनों ने लूटा, घरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। अजय देवगन इस साल में ऑलरेडी एक हिट दे चुका है और अब इस साल में उसकी 4 से 5 फिल्में और आने वाली हैं। तो क्या अजय देवगन इसी साल इतनी हिट दे रहा है, शुरू से इतनी देता है, आइए इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर इंट्रो दे दो। बिल्कुल, आप सबका स्वागत करते हैं हम आपके हमारे और आपके अपने चैनल गपशप विद माथुर एंड कश्यप पे। मैं हूँ आपका दोस्त गौतम कश्यप। मैं हूँ आपका अपना कॉन्फिडेंट आलेख रवि माथुर। और आशा करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे आप लोग, हम तो सही हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले शुरू करते हैं अजय देवगन के शुरुआती दिनों से, यानी 1991 हिंदी बोलना नहीं आता, 1991 तू बता दे। हाँ तो शुरुआत करते हैं अजय देवगन के शुरुआती दिनों से, 1990 क्या होता है हिंदी में, 1991 से हम शुरू करते हैं। 1991 में अजय देवगन ने एंट्री ली अपने दोनों टांगे खोल के, मतलब यह है कि एक मोटरसाइकिल पर उनकी एक पैर गलत समझ जाएंगे, एक मोटरसाइकिल पे एक पैर था, दूसरे मोटरसाइकिल पे दूसरा पैर था। और वो इस तरीके से उस टाइम ना किसी सपोर्ट के, ना किसी VFX के, ना किसी केबल्स के, खुद से वो स्टंट करते हुए उन्होंने एंट्री ली इंडस्ट्री में। और बड़ी बात इसीलिए थी क्योंकि उस टाइम हीरो अपने स्टंट खुद नहीं करते थे, अब तो बहुत कॉमन हो चुका है लेकिन तब नहीं होता था ऐसा। बिल्कुल, तो अजय देवगन का जो शुरुआती नाम हुआ वो इसी वजह से हुआ कि भाई वो जो फूल और कांटे में आए, और उसके बाद उन्होंने जो फिल्म करी जिगर, उसमें उन्होंने कराटे वराटे भी किया था और उनके, exactly, और उनके फादर साहब का भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा क्योंकि वीरू देवगन, हाँ वो खुद एक बहुत बड़े स्टंटमैन रहे अपने टाइम के, तो वो एक लेगेसी है जो अजय देवगन के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए लोग कहते भी थे कि यार ये तो अपने स्टंट खुद ही करेगा। इसके बाद अजय देवगन ने लगातार एक्शन फिल्में करी, ऐसी फिल्में करी जिसमें रोमांस भी होता था, कॉमेडी भी होती थी, फुल फैमिली फिल्म होती थी, लेकिन जो कोर होता था वो यही होता था कि यार ये हीरो एक्शन करके दिखा, ये देखना भी उनके लात मारे गए। बिल्कुल, उसको अजय देवगन ने थोड़ा सा ब्रेक किया, थोड़ा सा उससे बाहर आए, रोमांटिक कॉमेडीज की तरफ वो थोड़ा सा उनका झुकाव हुआ थोड़ा सा लेट 90s में, जहाँ वो आए टूवर्ड्स सुहाग, टूवर्ड्स दिलवाले। दिलवाले मैंने देखी नहीं है, दिलवाले मैंने सुनी भी है, सिनेमा हॉल में मैं देखने गया था दिलवाले, और मेरी एक्चुअली आदत थी अगर मैंने कोई मूवी एक बार देख ली और मैं दोबारा देखने जाऊँ तो जो मेरे साथ देखने में उनको बताता था कि अब ये होने वाला, अब ये होने वाला, तो जो सामने वाली ऑडियंस थी वो परेशान हो जाती थी और बोलती थी चुप हो जाओ, चाटे खाता था बेसिकली। तो ये मैंने किया है। और जो सुनने वाली बात है, वो मेरे एक कजन, पापा के कजन ब्रदर थे, तो उनकी गाड़ी में जब हम कभी जाते थे तो वो उनके पास एक कैसेट था दिलवाले का और वो चलाते हुए जाते थे, सपना पूरी पिक्चर सिर्फ सुननी है। कैसे समझ आती थी? सबको समझ में आती थी, मैंने तो जुदाई भी सुनी है। खैर सो ऐसी फिल्में उन्होंने और करी जैसे दिल जले, जिसमें वो एक आतंकवादी बने थे और अमरीश पुरी साहब ने कहा था बिल्कुल आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, ऐसे बोला था अमरीश पुरी साहब। और मूवीज वो कर रहे थे इस टाइम पे, बट एक चीज और जो अजय देवगन की फेमस थी, उनका हेयर स्टाइल था, लॉन्ग हेयर्स एक साइड यहाँ तक आंखों तक आया हुआ हेयर, वो बहुत ही। आज भी हमारे देश में 80% लॉन्डे जो है ना वो अजय देवगन ही है, उनको वही गुटका खाना है, उनको वही साइड में बाल रखने हैं आंखों तक आए हुए। और उसके बाद वो फिल्म आई जो आज तक मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट परफॉर्मेंस है किसी भी एक्टर की, नॉट जस्ट अजय देवगन, जिसका नाम था जख्म। उसके लिए अजय देवगन को उनका पहला नेशनल अवार्ड भी मिला था। पूजा भट्टी उस फिल्म में बहुत सुपर हिट गाना था गली में आज चांद निकला, एंड उस फिल्म का जो क्रक्स था, उस फिल्म का जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बेहद ही बेहतरीन फिल्म है, जिसने नहीं देखी प्लीज जाके देखो उस फिल्म को, वो बहुत बहुत अच्छी फिल्म है और पहुंचनी चाहिए आगे। तो और फिर जो है ये वाला जो डेकेड है 91 से लेकर 2000 तक का, ये अजय देवगन ने खत्म किया एक बहुत बड़ा स्टेप, ड्रास्टिक स्टेप लेके, जहां वो बन गया प्रोड्यूसर। उन्होंने दो फिल्में प्रोड्यूस करी, एक थी हिंदुस्तान की कसम और एक थी राजू चाचा। ये उस टाइम की सबसे महंगी फिल्में थी, उस टाइम की सबसे बड़ी ओपनिंग इन दोनों फिल्मों ने ली थी, और उस टाइम भी वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स थी दोनों फिल्में। अजय देवगन का करियर बैठ गया था बिल्कुल धप, क्योंकि पहले दिन ही देखने के बाद दूसरे दिन ऑडियंस को पता चल गया था कि क्या देख के आए हैं, उसके बाद लोग गए नहीं देखने, उसके बाद लोगों ने वो मूवी देखी नहीं। और यहां से शुरू किया अजय देवगन ने अपना दूसरा डेकेड, विच वाज 2001 से लेके 2010। यहां पे अजय देवगन ने अब बहुत स्मार्टली फिल्में चूज करना शुरू करी, बहुत अच्छा एक मिक्स बैग अपने लिए तैयार किया, जिसमें सबसे पहला अगर मैं बोलूं तो थी वो जो राम गोपाल वर्मा के साथ जुड़े थे, एग्जैक्टली उन्होंने जो करी कंपनी और सेम टाइम पे भूत,
कुछ डार्क मूवीज की तरफ गए और ये दोनों ही मूवीज अगर किसी ने नहीं देखी तो बिल्कुल आप देखें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, स्टोरी के लिए और डायरेक्शन भी बहुत ही बढ़िया। भाई कंपनी में वो गैंगस्टर ड्रामा की तरफ गए, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट गैंगस्टर ड्रामा इंडियन सिनेमा में जो आज तक बना है। सेकेंडली एक आदमी जो अपने करियर में इतने ऊंचे पे बैठा हुआ है, एक ए लिस्ट स्टार है, वो अपने एक हॉरर फिल्म कर रहा है, अपने करियर को दाव पे लगा के एक तरीके से, छोटी बात नहीं है। किसी भी ए लिस्ट स्टार को देख लो कितनी हॉरर फिल्म करी उन लोगों ने, नहीं करेंगे। अजय देवगन ने वो रिस्क लिया और उसने वो हॉरर फिल्म करी भूत और वो पे ऑफ कर गई, वो पिक्चर हो गई सुपर हिट। अजय देवगन का करियर वापस ट्रैक पे आ गया। उसी टाइम पर उन्होंने कुछ और भी हटके फिल्में करी, जैसे तक्षक करी थी, तुझे याद हो, कच्चे धागे करी थी, कच्चे धागे करी थी, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, एक ही दिन में तीन भगत सिंह रिलीज हुई थी, लोगों को सिर्फ आज भी अजय देवगन की भगत सिंह याद है। ठीक लगी थी, ठीक लगी थी, चली नहीं थी, पर मेरे को तो पसंद आई थी, मेरे को बहुत पसंद थी। अजय देवगन को अपना सेकंड नेशनल अवार्ड मिला था उस पिक्चर के। तो अजय देवगन एक्सपेरिमेंट करने में और बहुत आगे रहे हैं। दीवानगी देख भाई, दीवानगी गाइस, दीवानगी अगर आपने नहीं देखी है ना, आपको अगर एक पागल लवर की मूवी अच्छी लगती है जहां पे वो लड़की को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तो दीवानगी देखो। फिर अजय देवगन थोड़ा सा मूव हुए टुवर्ड्स सोशल ड्रामा क्योंकि उनकी जिंदगी में आ गए प्रकाश झा। एग्जैक्टली, और उन्होंने दो बहुत ही बेहतरीन फिल्में करी जिसका नाम था गंगाजल और अपहरण, और गंगाजल से आज भी वही फेवरेट है, आंख दिखाता है, आगे का नहीं बोल रहा। खैर अजय देवगन ने फिर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करी उस टाइम पे, खाकी करी, मस्ती करी थी, मस्ती को गया, खैर अच्छी फिल्म नहीं कह सकते, लेकिन अजय देवगन सेम टाइम पे उन एक्टर्स में से है जो एक अच्छी फिल्म करता था फिर दो बुरी फिल्में करता था। हाँ, बट ये रुके कभी नहीं। हाँ, और सबसे अच्छी फिल्म करने से बट अच्छी बात ये भी थी कि इनके करियर में कुछ डायरेक्टर्स आते गए जिन्होंने एक दो मूवीज इनके साथ कंटिन्यू की। ये बहुत अच्छी बात है अजय देवगन की करियर की, अजय देवगन करियर को आप बांट नहीं सकते, किसी भी तरीके से आप बांट नहीं सकते, वो मिक्सड बैग हमेशा रहा। कभी भी वो रोमांटिक फिल्में कर देते थे, कभी भी कॉमेडी आ जाती थी, कभी वो एक क्लस्टर में फिल्में नहीं आई अजय देवगन की, वो लगातार अलग अलग फिल्में करते चले गए। जब भी आ रही थी टार्स इन द वंडर कार भी आएंगे बीच में, यार बताओ इतनी बुरी पिक्चर, ऊ ला ला रे पे डांस करने वाले तो कर देगा कर देना यार, पागल है कुछ भी करवा रहे हैं ना। तो इसी बीच अजय देवगन ने रेनकोट जैसी मूवी भी करी, मुंह क्यों छुपाया रेनकोट के नाम पे बता जनता को, शांत हो जाते उन लड़कियों को, तो शांत हो जाते जिनका तेरा डांस देख के ओवरीज बर्स्ट हो गई, जिनकी हर कोई मेरे जितना अच्छा डांस नहीं है। ऑफ कोर्स यार, कौन हो सकता है। उस पर्टिकुलर टाइम में अजय देवगन हमेशा अपने करियर के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहा, विलन भी बने, फिर उन्होंने एक ऐसी ऐसे डायरेक्टर के साथ जुड़े जिन्होंने उनको उनके करियर की वन ऑफ दी बेस्ट फिल्म दी थी, ओमकारा, विशाल भारद्वाज। हम सब याद रखते हैं सैफ अली खान की वजह से, बट भूलना नहीं चाहिए हमें कि बहुत जबरदस्त काम किया था अजय देवगन ने, वो ओथेलो का एक वो था अडेप्टेशन और बहुत ही बढ़िया पिक्चर थी भाई, जिसने ओमकारा नहीं देखी जरूर देखना। तो जैसा कि मैं बता रहा था अजय देवगन कुछ फॉरगेटफुल फिल्में भी लगातार करते रहे, तो इस बीच उन्होंने कैश भी कर दी थी, हल्ला बोल भी कर दी थी और राम गोपाल वर्मा की आग भी कर दी थी, तो ये फिल्में मत देखना है, देखने लायक है नहीं। फिर अजय देवगन को अपने करियर में मिला वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जो कि उनके करियर को हमेशा फ्लोटिंग रखते हैं आज भी, कभी अजय देवगन को ऐसा होता है कि यार डिप मार रहा हूँ एक पिक्चर के साथ कर लेता हूँ ये बचा लेगा वापस, और वो है रोहित शेट्टी साहब। वो कोलैबोरेशन इतना बढ़िया हुआ, अजय देवगन को कॉमेडीज के लिए नहीं जाना जाता है, आज भी नहीं जाना जाता, लेकिन जब वो रोहित शेट्टी के साथ आते हैं तो कुछ अलग से मैजिक हो जाता है। बिल्कुल, और इन्होंने एक सीरीज बना दी गोलमाल की, गोलमाल करी भाई, ऑल द बेस्ट, वन ऑफ ऑल टाइम फेवरेट्स है मेरी, ऑल द बेस्ट भाई, इट इज सो ब्लडी गुड, कितनी स्टूपिड फिल्म है और कितनी फनी फिल्म है जिसकी हद नहीं है। और फिर अगेन अजय देवगन ने अगला अपना इस टाइम को एंड करा विद टू वेरी बिग फिल्म्स, और मतलब वो फिल्में जो याद रखी जाएंगी आगे के लिए, एक तो है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, वो जो सुल्तान मिर्जा का कैरेक्टर है भाई वो कोई नहीं भूल सकता, वो कोई भी नहीं भूल सकता अपने पूरे जीवन में, नहीं भूलेगा जिसने वो एक्टिंग देखी अजय देवगन की। सेकंड एक पिक्चर है जो मुझे बहुत पसंद है, टीवी पे बहुत चलती है और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है, वो है अतिथि तुम कब जाओगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी पिक्चर है यार, बहुत अच्छी फिल्म है, ये मूवी हम रिकमेंड कर सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखी। हाँ बिल्कुल, ये नहीं देखी तो प्लीज देखो अतिथि तुम कब जाओगे, इज अ वेरी वेरी गुड फिल्म। सो अब बात करते हैं तीसरे डेकेड के, विच इज फ्रॉम 2011 टू 2020। इस टाइम पे अजय देवगन अब हो गए थे फुल ब्लोन स्टार, और अब उनकी स्टार वाली इमेज को और ऊपर ले गया रोहित शेट्टी विद सिंघम। यहाँ अजय देवगन ने सुपर स्टारडम अचीव कर लिया, यहाँ अजय देवगन का वो हो गया कि हाँ यार अगर एक ईमानदार पुलिस वाला तो उसको सिंघम बोला जाएगा, वो अपने कैरेक्टर के नाम से पहचाने जाने लग गए। और ये भी नहीं है कि वे हर बार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, सनम सरदार देखी तुमने? हाँ देखी, इतना वो सरदार लगे नहीं थे, इतना नकली पंजाबी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा यार, इतना नकली पंजाबी। मोदी जी एक रैली में सरदार बन के गए थे, वो ज्यादा पंजाबी लग रहे थे। हाँ, ऑल्दो
मोदी जी ज्यादा सरदार लग रहे थे भाई, सलम सरदार से ऑब्सेस्ड है मोदी जी से भाई, दिल बिल्कुल भरा था मोदी जी को देखते हुए, तो रो देता हूँ मुझे तो, क्योंकि वो राष्ट्रपिता है हमारे, युग पुरुष है मोदी जी, युग पुरुष। मैं थप्पड़ मार दूंगा अगर मोदी जी के बारे में कुछ गलत हो रहा था, मैं घुसंड मुक्की कर लूंगा तेरे साथ, गाली गुफ्तार होगी यहीं बैठ के आज। तो अजय देवगन ठीक है, देन अजय देवगन ने उस टाइम की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स और वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग दी विद सिंघम रिटर्न्स, आई थिंक 100 करोड़ क्लब्स में वो तो गोलमाल 3 और सिंघम से हो गए थे, बट सिंघम 3 ने उस टाइम 32 करोड़ की ओपनिंग ली थी 2014 में, विच वॉज अ बिग बिग अचीवमेंट। खान सर और कुमार के बीच में अजय देवगन कभी छुपे नहीं, कभी कम नहीं हुए भाई, तो उन्होंने काम करना बिल्कुल कंटिन्यू रखा, और ऐसी भी चाहिए उनकी रेड मूवी, कहानी उनके मूवीज की बहुत अच्छी होती है, तो हीरो की जरूरत बहुत मतलब कम दिखती है, कि कहानी इतनी अच्छी होती है कि आप कहानी बाप होती है उस मूवी का, और आप कैसे भूल सकते हो भाई दृश्यम, दृश्यम एग्जैक्टली चाहे रीमेक हो लेकिन भाई व्हाट अ फिल्म यार, और एक्टिंग से कभी अजय देवगन निराश नहीं, आंखें उनकी आंखें भाई, जो डायरेक्टर अजय देवगन की आंखों को तमीज से कैप्चर कर लेना उसको, उसकी फिल्म में अपने आप मजा आने लग जाएगा, आप ये बात समझ जाओ बिल्कुल भाई, इतनी बढ़िया फिल्म थी दृश्यम। सो रेड और ये दृश्यम की मूवीज के बाद वापस से दृश्यम 2 भाई व्हाट अगेन, बहुत अच्छी पिक्चर, जिसने मलयालम फिल्म देखी उसको तो ऑफकोर्स अच्छी लगी, जिसने देखी है तो भी अजय अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर ऐड किया गया है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई होगा जिसने ये मूवीज नहीं देखी होंगी अजय देवगन की। लेकिन उसी बीच अजय देवगन ने करी अपनी 100th फिल्म जिसका नाम था ताना जी, उन्होंने प्रोड्यूस भी किया था शायद, हाँ प्रोड्यूसर भी थे पिक्चर के, और उसी ने बनाई थी जिसने आदि पुरुष बनाई है, खैर बट अगेन वो अच्छी पिक्चर थी भाई, वो तो बहुत ही बढ़िया पिक्चर थी, जिसने नहीं देखी है हाईली रिकमेंडिंग, प्लीज देखना जाके बहुत अच्छी फिल्म। तो इसी के साथ ये वाला डेकेड भी खत्म होता है, लेकिन इसी बीच में एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, विच इज अजय देवगन एंड हिज डायरेक्शन स्किल्स। अजय देवगन ने काफी फिल्में डायरेक्ट करी है अपने करियर में, कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, कभी कुछ प्रॉब्लम के चलते, लेकिन भाई अजय देवगन कभी सक्सीड नहीं हुआ है इन डायरेक्शन, क्यों कोई नहीं जानता, मैं तो नहीं जानता। अजय देवगन ने यूमी और हम डायरेक्ट करी, फ्लॉप, शिवाय फ्लॉप करवा दिया, उस आदमी ने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट था वो, डिजास्टर थी शिवाय भाई। उस आदमी ने अभी रिसेंटली भोला डायरेक्ट करी थी, देखी तूने भोला, बच गया तू या देखी? एक्चुअली बहुत सारे एक्टर्स हैं जो दो नाव पे पैर नहीं रखते हैं, और उनमें से कुछ रख देते हैं और वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होते, तो अजय देवगन ने यही कुछ काम किए डायरेक्शन करके, तुम right? समझ गए ना इसने जो बोला, हाँ उन्होंने दो नाव पे पैर रखी और एक नाव डूब गई, ठीक है, दूसरी पे वो सवार होके कुछ अच्छी मूवीज चूज करके कुछ हमेशा अच्छा काम करते रहे, चाहे मिक्स्ड बैग करते रहे, हिट हुई फ्लॉप हुई, पर अजय देवगन हमेशा अच्छी एक्टिंग करते रहे, लेकिन भाई डायरेक्शन तो बहुत गड़बड़, बहुत ही बुरा। अभी रिसेंटली खैर हम बात कर लेते हैं, जो अभी रिसेंटली हम दोनों ने एक फिल्म देखी बहुत ही हमें पसंद आई, विच इज शैतान। भाई ये फिल्म आपको दिखाएगी कि आप टॉप 6 लीग में हो, जब टॉप 6 एक्टर्स की बात होती है तो देर इज शाहरुख, सलमान, आमिर, देन देर इज ऋतिक, अजय देवगन, अक्षय कुमार, तो टॉप 6 लीग में हो बॉलीवुड की, स्टिल इतनी सिक्योर, इतने आप इस पोजीशन बैठे और इतना सिक्योर हो, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये मूवी आपको बताएगी कि मूवी का बजट कितना भी छोटा हो लेकिन अगर उसकी स्टोरी अच्छी है, आपका इंटेंट सही है, आपका इंटेंट सही है। यार मेरे को एक बात होता, तू होता अजय देवगन की जगह, तू प्रोड्यूसर है उस पिक्चर का, तेरी पावर है, तेरे पास आई है स्क्रिप्ट, तू माधवन को वो रोल दे सकता, मैं वो रोल लेता जिसमें मुझे ऑडियंस को और ज्यादा कनेक्ट करना है। आपको पता है कि माधवन खा जाएगा आपको पूरी पिक्चर में, स्टिल आपने माधवन को वो रोल दे दिया, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सो अजय देवगन ओवरऑल हमेशा ऐसे एक्टर रहे हैं जो कभी गायब नहीं हुए, हमेशा एक बैलेंस बना के रखा उन्होंने, कभी टॉप पे नहीं आए लेकिन कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि फॉरगेटफुल उन्होंने ऐसा कुछ काम कर दिया हो कि आपको एकदम भूलने की इच्छा हो जाए, बिल्कुल, और कभी इतने कंट्रोवर्शियल भी नहीं रहे कि कभी ऐसे कंट्रोवर्शियल भी नहीं रहे, कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि अजय देवगन ने बिल्कुल ही एकदम ही लोएस्ट हो गया अजय देवगन का, अब उठ नहीं पा रहे अजय देवगन, जैसा कि अक्षय कुमार के साथ उनके करियर का एक स्ट्रेट लाइन रहा है, बीच में कुछ ना कुछ हाँ होता रहा लेकिन वो फ्लोट करते रहे हमेशा, व्हिच इज ग्रेट। एंड अभी रिसेंटली बात करूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है अजय देवगन की फिल्म मैदान। ठीक है, फिल्म में अपने फेयर शेयर ऑफ फ्लॉज हैं, फर्स्ट हाफ स्लो है, ऑल द फर्स्ट हाफ सिर्फ 1 घंटे का है, सेकंड हाफ 2 घंटे का है स्टिल, बट फर्स्ट हाफ स्लो है, कुछ जगह पे फिल्म आपको लगता है कि ड्रैग हो रही है, बट फिल्म का सेकंड हाफ इज आउटस्टैंडिंग और आखिरी 40 मिनट तो प्योर मैजिक है यार। हम एज ऑडियंस फेल कर गए हैं इस फिल्म को, हम नहीं दे पाए इस फिल्म को उतना कलेक्शन, उस फिल्म को उतना प्रेज, एंड मैं जानता हूँ जब ये OTT पे आएगी ना लोग जरूर बोलेंगे अरे यार ये तो हम मिस कर गए, ये तो बहुत अच्छी पिक्चर थी। So, आपका क्या कहना है अजय देवगन के करियर के बारे में, अगर आप उनके फैन है तो कमेंट करते जाना, वी लव अजय देवगन, वी लव अजय देवगन एक्सेप्ट विमल, हाँ एक्सेप्ट बोलो शुभा केशरी, वो हमें पसंद नहीं है, पर क्या करें उनके तो दांत ही गंदे हैं।
हो सकता है वो ऐड भी आ जाए हमारे चैनल पे, क्या पता भाई अगर इस वीडियो से पहले वो चल गया तो मजा ही आ जाएगा। खैर सो आप भी अपने व्यूज बताएं हमें कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, और पुराने हैं तो प्लीज आगे तक बढ़ाएं इस चैनल को और अपने अपने लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। बिल्कुल, और साथ मिलके नहीं बोलेंगे हम जुबान शुभ जय श्री राम, जय श्री राम।